हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो मैं आप सभी के साथ ये शॉपिंग ब्लॉग बहुत ये फर्स्ट टाइम ही है मेरे चैनल पर। तो अभी मैं आसी को तैयार कर रही हूँ और आदित्य अपना जूता पहन रहा है। और आदित्य अब खुद ही अपना सारा काम कर लेता है, जैसे कि कपड़े पहनना और ये जो छोटे मोटे काम रहते हैं, जूते वगैरह पहनना, ये बाकी के सारे काम ही अपने से कर लेता है। और ये खुद तैयार होके अभी बैठ गया है, बस उसको बालों में कंघी करने के लिए इतना ठीक से नहीं आता है। तो उधर आसी को भी मैं तैयार कर देती हूँ और आदित्य बस उसको मैं बोल देती हूँ ऊपर बैठो। और ये देखिए, आसी को बहुत जल्दी रहती है और ये अपने बाल ख़राब कर देती है हेयरबैंड लगाने के चक्कर में। और आज हम लोग जिस दुकान पे जा रहे हैं वहाँ पे 50% डिस्काउंट चल रही है। और इस दुकान में एक साल में एक बार 50% डिस्काउंट एक महीने के लिए चलती है। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। जिस दुकान में मैं अभी जाऊँगी वो अभी आपको आगे सब दिखेगा। तो यहाँ पर जितने भी, ये रामगढ़ एक ज़िला है, तो रामगढ़ ज़िले के अंदर जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, सभी लोग, जो लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक महीने के लिए इस दुकान में सेल लगता है और ये बहुत ही फेमस दुकान है। तो यहाँ पे इस दुकान की एक एक खासियत है कि अगर यहाँ पे सभी लोगों की बजट को ख्याल में रखते हुए सभी तरह के कपड़े रहते हैं। अगर आपको 50 रुपये की शर्ट चाहिए तो 50 रुपये की भी शर्ट मिलती है, और 5000 की शर्ट चाहिए तो 5000 की भी शर्ट मिलती है। तो ऐसे जो बड़े बड़े दुकान रहते हैं, जैसे कि मॉल हो गई, तो वहाँ पे तो ब्रांडेड रहती है, यहाँ पर भी ब्रांडेड रहती है, लेकिन यहाँ पे बिना ब्रांडेड की भी रहती है जो सब लोग अफोर्ड कर सके। तो इसके ख्याल में, सभी लोगों के ख्याल में रख के इस दुकान में कपड़े रखते हैं। तो आसी और आदित्य तैयार हो गए हैं और उसके बाद मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो बस अब मैं जब कहीं भी जाती हूँ तो बच्चों के लिए घर से पानी भर के ले जाती हूँ। और अभी जैसे कि आप सब जानते होंगे कि मॉनसून चल रहा है, तो बच्चों के लिए घर का पानी सब चीज़ ध्यान में रखते हुए ले जाना पड़ता है। और इस जग में मैं पानी रखती हूँ, ये उबला हुआ पानी है। और इधर आप देखिए आदित्य, सॉरी आसी तैयार हो गई है और आदित्य तैयार होकर चला जाता है अपने दादी के पास। फ्रेंड्स, वो नहीं आया। अभी टाइम हो गया है, 1 बज गए हैं करेक्ट, और सुबह मैंने सारा अपना घर का काम निपटा दिया। और आज हम लोग दोपहर का खाना जल्दी खा लिए, क्योंकि हम लोग को, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे जाके क्या क्या खरीदते हैं। मन में सोच के तो मैं जा रही हूँ कि मैं बहुत कुछ खरीदूँगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोच के जाती हूँ मुझे ये लेना है, लेकिन वहाँ जाके फिर माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या क्या लेना है। और सुबह से मैंने सारा घर का काम जल्दी किया है, एकदम फटाफट किया है। और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया है, वो डायरेक्ट आएंगे जिस दुकान में हम लोग जा रहे हैं उस शॉप पे ही आएंगे डायरेक्ट। तो उसके बाद हम लोग, अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके जाऊँगी और मेरे साथ मेरी सासू माँ भी जाएगी। तो चलिए फिर। तो बस अभी मैं सभी घरों के दरवाजे वगैरह बंद कर देती हूँ। और अभी जैसे कि अभी दोपहर हो रहा है, 1 बज रहा है, तो आते आते मुझे लगता है रात भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और मैं बस भीड़ के ख़त्म होने की वेट कर रही थी, तो बाहर का भी गेट में मैं ताला लगा देती हूँ। और इस दुकान में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस वजह से हम लोग लेट से जा रहे हैं। और इधर देखिए, व्हाइट साड़ी में ये मेरी सासू माँ है और आदित्य और आसी मेरे सासू माँ के साथ हाथ पकड़ के जा रहे हैं।
और ये देखिए 50% 10% डिस्काउंट। और पहले सबसे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं जिधर बर्तन वगैरह मिलती है, तो बर्तन वगैरह में मुझे कुछ लेना तो रहता नहीं है लेकिन बस देखने के लिए आ जाते हैं क्योंकि कहीं जाओ और कुछ देखो ना तो कैसे मतलब कि ऐसे ही होती है औरतें, लेना होता हो लेना हो या ना लेना हो लेकिन देखने का तो ज़रूर मन करता है सभी चीज़ें। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर बेड शीट वाले काउंटर में, तो इधर बेड शीट बैग और ये सभी चीज़ें मिल रही थी जैसे कि, और हम मैं देख रही थी अपने रूम के लिए पर्दे वगैरह देख रही थी लेकिन पर्दे मुझे पसंद नहीं आते हैं। और उसके बाद जो अभी मेरे घर पे ये जो लगे हुए हैं ना पर्पल कलर के पर्दे वो इसी दुकान की है और ये मैंने बहुत ही सस्ते दामों में ली थी। तो अब हम लोग चले जाते हैं साड़ी जिधर साड़ी जहाँ मिलती है वहाँ, तो ये देखिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसे कि मैंने बताया और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि रक्षाबंधन भी अब आ ही चुका है और बकरी ईद भी थी तो इस वजह से और भी ज़्यादा भीड़ थी। और मैंने तो भीड़ को रिकॉर्ड नहीं किया है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इधर मैं देख रही थी ग्रीन कलर की साड़ी लेकिन ये इतनी कोई ख़ास नहीं लगी मुझे। और उसके बाद पिंक, ये पिंक कलर की साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है लेकिन ये वाइट कलर और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन की मेरे पास ऑलरेडी पिंक कलर की 2-3 साड़ियाँ हैं मेरे पास, इस पसंद तो आ जाती है लेकिन मैं पिंक साड़ी को नहीं लेती हूँ। और आसी भी बहुत ज़िद कर रही थी कि पापा फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, इससे पहले ही आ जाते हैं। तो उसके बाद मैं ये ग्रीन वाली साड़ी देख रही थी, ये मुझे पसंद आ जाती है। तो बस मेरी सासू माँ मेरी हेल्प कर रही है पसंद करवाने में मुझे। और बच्चों को अपनी ही पड़ी थी कि जल्दी से चलिए, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग कपड़े लेंगे हम लोग, तो बस साड़ी देख के फिर हम लोग चले जाते हैं बच्चों के कपड़े ख़रीदारी करने। तो इधर मैं देख रही थी आदित्य के लिए सबसे पहले, तो आदित्य के लिए जो मैंने अभी ये येलो कलर की शर्ट निकाली है ये अच्छी लग रही थी क्योंकि येलो कलर मेरी फेवरेट कलर है तो येलो पे मेरी बहुत जल्दी नज़र चली जाती है। और आदित्य राशि के लिए हम लोग काफ़ी कपड़े देखते हैं और ये सेल लगभग ख़त्म ही होने वाला है, 15 अगस्त तक ही चलेगा शायद, तो सारे कपड़े यहाँ पे अच्छे अच्छे निकल जाते हैं। और हम लोग आए हैं लेट से तो फिर भी मैं देख रही थी काफ़ी देख रही थी, तो मुझे 2 आसी के लिए ड्रेस पसंद आती है और 2 आदित्य के लिए पसंद आती है। और अभी मैं जितनी भी ख़रीदारी करूँगी वो सबके एक मैं इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें इसकी प्राइस और सभी कपड़े को मैं दिखाऊँगी आप सभी को मैंने क्या क्या ख़रीदारी की है। तो काफ़ी ढूँढने के बाद मुझे एक आसी का ड्रेस पसंद आती है, ये जो ब्लैक और ये वाइट कलर का रहता है, ब्लैक और रेड कलर का ये है, तो इसको पहले मैं ये मुझे पसंद तो आती है लेकिन जब मैंने इसको पहना के देखा आसी के ऊपर तो छोटी हो रही थी तो फिर मैंने एक साइज बड़ी मांगी इनसे, तो फिर ये लोग एक साइज बड़ी निकाल के देते हैं। और बच्चे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और बच्चों को खुश क्यों नहीं होंगे, कपड़े तो सभी को नए नए कपड़े पसंद होते ही हैं। तो अभी हमने जितने कपड़े लेने थे वो हम लोग ले लिए हैं और ये बच्चों के कपड़े और जो इधर साड़ी वगैरह रहती है वो अलग अलग काउंटर पे बिल पे होती है, साड़ी वाले काउंटर साड़ी जो होती है वो अलग होती है, दुकान एक ही है एक ही मालिक है लेकिन
सेक्शन बाय सेक्शन वो लोग बिल पे कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े ये मेरे पति भी वो कर लेते हैं। और आशी बहुत जिद कर रही थी, उसको कपड़े अभी ही पहनने थे, तो अब मैं आ जाती हूँ इधर। सूट पीस के कपड़े देख रही थी, तो सूट पीस उतने मुझे पसंद नहीं आते हैं, और ये सारे 50% में ही है, और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे ये। लेकिन फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि जितने में ये कपड़े आते हैं उतने टेलर लोग सिलाई ही ले लेते हैं, मतलब कि जितने कपड़े रहती है तो उतना सिलाई वो लोग ले लेते हैं। तो जैसे कि 400 रुपये की ये सूट है तो लगभग उतने ले ही लेते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने देख रही थी, लेकिन उतने खास अच्छे नहीं रहते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो अब बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी तो मैं नहीं लेती हूँ, मैंने सोचा कि चलो बाद में लेंगे। और इधर आशी इस गाड़ी पे बैठती है, और हम लोग जाते वक्त भी ये देखे थे, क्योंकि पिछले साल जब हम लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने तो यहाँ पे ये गाड़ी हम लोग नहीं देखे थे। ये फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे बच्चे ये देखें और बोल रहे थे बैठना, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं भी सोची कि नहीं, बच्चों को बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे और बहुत खुश हुए थे ये लोग इस पे बैठ के। और ये लोग एक बच्चे को 3 से 4 मिनट तक ही ये लोग घुमाते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर की बालकनी उधर पूरा एक चक्कर घुमाते हैं एक बच्चे को। तो बस, और पिछले साल जब हम लोग आए थे तो ये गाड़ी नहीं थी, होगी भी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो एक साल के बाद ही आई हूँ। और अब बारी आ गई है आदित्य की, तो आदित्य भी बैठता है और बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो रहे थे बैठ के, घर में आके ये लोग बता रहे थे। और उसके बाद वीडियो बस यहीं पर मैं एंड कर दूँगी। हम लोग घर जाते हैं और काफ़ी लेट हो जाता है, और तो इसके आगे की मैंने जो जो ख़रीदारी की है उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी इस वीडियो के बाद, तो उस वीडियो को देखने के लिए मत भूलिएगा। तो हम लोग आ जाते हैं घर, और घर आते आते काफ़ी रात हो जाती है। और ये है मेरी सासू माँ। तो बस यहीं तक थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।